हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जहां पर रिस्क है, ओके, बट ये शेयर आपको बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न्स एज वेल एज यहाँ पर बेहतरीन पैसा आपको बना के दे सकता है। और बेहतरीन पैसा इन द सेंस यहाँ पर आपके पैसे डबल कर सकता है, ओके, और वो भी तुरंत के तुरंत। तुरंत के तुरंत का मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हो जाएंगे। तो ऐसा शेयर है, बट मेरे टारगेट कुछ अलग है, वो चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। बट वीडियो में आगे लास्ट तक बने रहिए, सीखिए। सीखने के लिए कोई पैसा नहीं देना, कुछ कुछ नहीं करना, सिंपल लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, सीखना है, समझना है क्यों स्टॉक्स को बताया जा रहा है। स्टॉक्स का नाम बता देता हूँ, स्टॉक्स का नाम है, आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, मैंने ये कुछ दिन पहले सुना है और मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है। तो डिस्क्लेमर के लिए भी देना बताना चाहता हूँ, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे। बट बिफोर दैट आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्वेस्ट फॉरएवर आपका ये चैनल है। बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो मिले। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, एज वेल एज ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, अगर आपको हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है काफी दिनों बाद, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा वीडियो, तो यहाँ पर लेट नाइट भी हो सकता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। बट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। बाजार में गिरावट हो गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, निफ्टी का टारगेट और स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक्स मैंने आपको बताया, जाके देख लीजिए जहां भी पैसा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है श्री गणेश बायोटेक, कुछ चीजें जान लेते हैं। 2022 में स्प्लिट हुआ है, 10 रुपए का फेस वैल्यू 1 रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब है कि का शेयर यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर भागा था, ओके। उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट भी दिया कंपनी ने और कंपनी यहां पर अच्छा भी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहां पर चलते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड और भी कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी करती क्या है वो जान लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है गणेश बायोटेक, यहां पर पता चलेगा इंडिया इज अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स पोटैटो पैडी सीड्स एंड मेडिकल प्लांटेशन ऑफ स्टेजिया एज वेल एज व्हाइट मूसली कैशू कैन फूड्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो केन में जो फूड्स आता है कैशू नट से रिलेटेड एज वेल एज मूसली जो हमारी व्हाइट मूसली आती है, मेडिकल प्लांटेशन, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा है कंपनी, मतलब लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर FMCG के शेयर नहीं चल रहे बट जो ऐसी चीजें बना रहा है, ओके, वो शेयर यहाँ पर अच्छे खासे चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ आपको क्या रखना है, नजर रखना है। इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो इनकी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, ओके। तो वेबसाइट पर यहाँ पर इस कंपनी के बारे में सब कुछ दे रखा है, एक बार जाइए पर पढ़िए, और भी यहाँ पर इनकी विकिपीडिया पे जाइए और यहाँ पर देखिए तो आपको गूगल्स पे भी दिखाई देगा। तो कोलकाता बेस यहाँ पर ये कंपनी है, ओके, ये जो कि हमने बात कर ही ली है, सभी चीजों में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एंड डिफरेंट क्रॉप्स लाइक कॉर्न सनफ्लावर कॉटन पैडी ग्रेन्स एज वेल एज अलग अलग चीजों में ये कंपनी हाई कॉल यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है, मार्केटिंग करती हुई दिखाई देती है। तो बेहतरीन यहाँ पर शेयर नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कल के दिन में इसके रिजल्ट आए, तो यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट राइज 156.76% इन द दिसंबर क्वार्टर। तो यहाँ पर अच्छे खासे इस कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप 248 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। मतलब ये जो शेयर है वो कौन सा है, ये शेयर है माइक्रो कैप शेयर है। तो यहाँ पर रिस्क भर भर के है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में चलेंगे जब, और यहाँ पर जब भागेगा तो उसी तरीके से भागेगा, तो रिटर्न भी मिलेगा भागेगा भी। और 228 से शेयर 124, मतलब 100 रुपए यहाँ पर शेयर नीचे चल रहा है, ओके। पी की बात करें 97 के पी पे चल रहा है, तो शेयर यहाँ पर काफी महंगा भी है। ROC ROE कुछ नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो यहाँ पर डेट फ्री होना अपने आप में बता देता है कंपनी के में शायद आगे चल के अच्छा अगर हुआ तो कंपनी अच्छा खासे ग्रो कर सकती है, तो इस चीज के लिए ध्यान देना है। फेस वैल्यू इसने शायद गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर फेस वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुका है, ओके, 10 रुपए का फेस वैल्यू 1 रुपए पे हो चुका है, तो कुछ चीज यहाँ पर गलत भी होती है, तो फेस वैल्यू यहाँ पर शायद गलत दे रखा है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब शेयर भागेगा तो मल्टी बैगर रिटर्न देगा, और जब नहीं भागेगा तो यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। देखिए जब शेयर आया था 1970 में, तो उसके बाद ये शेयर 500 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया, ओके। उसके बाद 2018 से ही लगातार गिरावट है, और यहाँ पर एक साइडवेज जोन में शेयर चला,
ओके, उसके बाद एक साल का डेटा देखे तो एक साल में पता चलेगी यहाँ पर ₹120 का शेयर हुआ करता था, फिर ये 200 मतलब ₹250 तक जाता है वो दिखाई दिया, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट दोबारा आई। तो यहाँ ये पूरा कंसोलिडेशन और एक अच्छी खासी गिरावट, बट जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर ही क्या दिखाया है कि 156.76% का यहाँ पर इन्हें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये शेयर अच्छा खासा भागा भी था, कल भी भागा था, आज भी भागा था, बट आज जब यहाँ पर पूरी मार्केट में गिरावट थी तो इसमें भी गिरावट थी। तो बिजनेस मॉडल आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या करती है। तो यहाँ पर देखेंगे सेल्स, तो कंपनी की सेल्स कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पर पहले अच्छी खासी थी, फिर एक गिरावट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर पैंडमिक कह सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक लगातार दिसंबर 2020 से लगातार यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस बार की भी जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल्स है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, लगातार प्रॉफिट बढ़ता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, एज वेल एज यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी लगातार यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है, इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार जो कंपनी घाटे में दिखाई दे रही थी उसका पिछले 12 महीने की बात करें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया जो कि 95 लाख रुपीज का। छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, स्टिल कंपनी क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अपने आप को सर्वाइव कर रही है और बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, शायद यही कंपनी आगे चल के अच्छा खासा पैसा बना के दे, बट पैसा उतना ही लगाना है जितना यहाँ पर आप रिस्क ले सके, क्योंकि प्योरली यहाँ पर रिस्क बेट है, गैम्बलिंग ही हो रही है एक तरीके से इस पर्टिकुलर शेयर में, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडी। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स यहाँ पर लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, यहाँ तक बढ़ी थी 2017 तक 18 तक, और फिर उसके बाद लगातार गिरावट हुई और यहाँ पर पैंडमिक आ गया, और इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर मार्च क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स हुई, और पिछले 12 महीने की बात करें तो 61-62 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है जो कि हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा था, फिर उसके बाद गिरावट हुई, और अभी की बात करें तो यहाँ पर पिछले 12 महीने में यहाँ पर तो अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है, दोबारा उसी लेवल पर जहाँ पर ये 17-18 में चल रहा था उसी लेवल पर जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। एटलीस्ट EPS अगेन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाईएस्ट एवर रिजर्व्स। बोरोइंग की बात करें लगभग डेट फ्री कंपनी है, 19 लाख का ही यहाँ पर बोरोइंग है जो कि कभी भी चुका सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 3.23 करोड़ का है। कैश की बात करें कंपनी का कुछ ज्यादा कुछ खास कैश नहीं है, 2 लाख के आसपास ही है, और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, और यहाँ पर ये देखिए काफी टाइम बाद यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ROCE की बात करें, ROCE दोबारा धीरे धीरे यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब FIs की बात करें, FIs यहाँ पर लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, तो FIs को देख के बैंक नहीं करनी, ना ही पब्लिक के को देख के बैंक करनी है, कुछ चीजें आपको अभी यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी, बट लगातार FIs की बाइंग करना और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी लगभग 50% के आसपास की यहाँ पर बाइंग करना, ये लगता है कि FIs यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में बुलिश भी है और अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पब्लिक में दिखाई दे रहा है आपको 97.58% ओके घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक के पास 97% के शेयर है, 98% के आसपास के शेयर है, तो शायद शेयर बेकार हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर 90.58% के आसपास की अगर लगाए लगभग तो इतने परसेंट के शेयर ये बड़े बड़े लोगों ने ऑलरेडी ले रखे, और केवल 7% के शेयर ही मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। ओके, और वो 7% के शेयर में ऑपरेटर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसी वजह से ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए शेयर, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप का मतलब है कि शेयर भागेगा तो अच्छी तरह भागेगा, गिरेगा तो अच्छी तरह गिरेगा। तो यहाँ पर जब 17 में आई थी शेयर भागा और यहाँ पर 400-500 का लेवल बनाया, इसके बाद एक अच्छी खासी अभी गिरावट होती हुई दिखाई दी पैंडमिक यहाँ पर अगर बात करें उसके बाद से, और यहाँ पर पैंडमिक आई गया था और उसके यहाँ पर एक साइडवेज जोन में चला, फिर शेयर को यहाँ पर अपने आपके पैसों को डबल किया, डबल करने के बाद लगातार यहाँ पर एक गिरावट है, दिसंबर 13 से लेके लगातार यहाँ पर गिरावट, और शेयर लगभग 50% क्रैश हो चुका है। यहाँ से अगर बात करूँ तो यहीं से रिसेंटली बात करेंगे हम, बात पहले की बात नहीं करेंगे, पहले नंबर अच्छे आ रहे थे तो शेयर भाग रहा था, अगेन नंबर अच्छे आ रहे तो शेयर दोबारा भागेगा, और यहाँ पर देखे तो लगभग 44% शेयर भाग गिर चुका है, और एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ से देखेंगे तो 2018 से लेके अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है, नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेन है वॉल्यूम, तो कंपनी में यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पर शेयर को गिराया जा रहा है नंबर के बाद, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। गिरावट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मैं प्रिपेयर हूँ कितनी गिरावट के लिए, तो मैंने इसी लेवल पे लिया था, यहाँ पर शेयर भागा था 2 दिन यहाँ पर भागा, लगभग 139 तक ही आया,
ओके अच्छा खासा 10-12% का प्रॉफिट 2 ही दिन में हो गया था, बट स्टिल मैं 2 लेवल के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 7% एज वेल एज यहाँ पर 25%, मैं 25% की गिरावट के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पर इतना गिरावट हो सकती है, और जितना गिरेगा मैं इसमें एटलीस्ट 3 महीने तक बाइंग करूंगा, और यहाँ पर उसके बाद ये शेयर यहाँ पर जब जाएगा तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम। सबसे पहले राउंडिंग बॉटम ये नजर आ रहा है कि ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ निकलेगा और यहाँ तक जाएगा। ओके और यहाँ तक गया तो इसके जो टारगेट नजर आते हैं वो टारगेट में मैं आपको बताता हूँ, तो ये टारगेट सिंपल नजर आते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए अगर ये टारगेट भी आ जाते हैं 82% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 82 देख लीजिए, और हमारा टारगेट तो 3 महीने में केवल 3 से 6 महीने में 20% का होता है। अगर हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं जो इजीली मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि 20% का नहीं मिलेगा, बहुत इजीली मिलेगा, तो यहाँ पर पहला टारगेट ये हो गया 20% का, दूसरा टारगेट 82 जो कि बहुत जल्दी आपको अचीव होगा। बट यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, देखेंगे तो यहाँ पर एक कप कप बना के हैंडल और कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर टारगेट कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके हिसाब से। अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने बनाया नहीं है कप विद हैंडल पैटर्न, बट जो वीडियोस देखते हैं वो समझ गए होंगे यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है जिसके टारगेट कितने नजर आ रहे हैं, वो ही टारगेट नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर प्रीवियस इसके ऑल टाइम हाई था, बल्कि उससे भी ज्यादा की। तो यहाँ पर 555 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अगर हम यहाँ पर से कैलकुलेट करें तो क्या कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं, 350 आने को 350 बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि अगर जब शेयर भागना होता है ना, तो मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो दिसंबर में बनाई थी जब ये 39 रुपीज पे ये शेयर चल रहा था। ओके उसके बाद से 220 पे चल रहा है, अगर जब भागना होता है यहाँ पर अपर सर्किट लगते जाते हैं और शेयर भागता रहता है, बट यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं श्री गणेश की। ओके तो यहाँ पर सिंपल मुझे चीजें जो समझ में आ रही है, ओके यहाँ पर समझ में आ रही है कि ये शेयर यहाँ तक तो जाएगा ही, ओके अच्छे रिजल्ट आ गए तो कोई चीज नहीं रोक सकती यहाँ पर, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पर भी बना रहा है और एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पर भी बना रहा है। तो दूसरे टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे टारगेट मुझे नजर आते हैं ये वाले, सबसे पहला टारगेट मैं बता दिया, दूसरा टारगेट बता दिया, और तीसरा टारगेट मुझे नजर आता है 142% का, जो कि इजीली यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के चीजें निकलेगी, क्योंकि ऐसे निकलता है, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है और नंबर भी अच्छे आने जरूरी है, बट 3 महीने की ही बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। 3 महीने बाद इस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, यू डोंट नो, इवन आई डोंट नो। तो अगर हम बात करें अभी की बात करें, शॉर्ट टर्म में 20 से यहाँ पर 80% के रिटर्न मिल सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भागेगा ये शेयर तो गिरा भी इसी तरीके से भागेगा भी उसी तरीके से, तो अपर सर्किट ही लगेंगे और कुछ नहीं। तो अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से वीडियो को देख के समझ के सोच के उसी तरीके से यहाँ पर रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना, भी तो थोड़ा ही करना, ज्यादा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और ये सब चीजें समझ के ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत से बट बहुत मुश्किल से आपके लिए शेयर लाए जाते हैं बताए जाते हैं। बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल पे नोटिफिकेशन के, एज वेल एज ये नंबर पे कांटेक्ट करिए, ऐसे शेयर टाइम पे मिलेंगे, अच्छे पैसे बनते हुए नजर आएंगे, और हमारा जो टारगेट है 10 लाख रुपीज से 600-700 करोड़ का, वो इजीली अचीव होता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, यही वीडियो खत्म करते हैं।